नमस्कार, मैं ऋषभ यादव। बदलती दुनिया में प्रतिदिन नए नए मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर आते रहते हैं। आज अभी हम नए मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बदलती दुनिया में और बदलते मुद्दों के बीच में अभी सबसे ज़्यादा गर्म मुद्दा हालिया रिलीज हुए आदिप के बाद उपजा है। यहाँ पर आदि पुरुष में सबसे ज़्यादा विवाद की स्थिति तब बन गई जब इसमें किरदार निभा रहे सैफ अली खान, जो कि इसमें रावण का किरदार निभा रहे हैं, और उनको लुक्स को लेकर अब देश भर में तमाम जगह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए हमारे क्षेत्र के युवा, जो कि हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट के माध्यम से इसका विरोध दर्ज कराया है। आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे युवा और हिंदू धर्म के मानने वाले, और लगातार ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले अर्पित साहू से, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या इसमें समस्या है और उन्हें क्या परेशानी आई है जिसके बाद उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो अर्पित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सब जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आदि पुरुष का क्या विवाद है और आपके द्वारा भी ट्वीट किया गया है। हम हाल ही में देख रहे हैं आदि हुआ है, उसमें आप देखेंगे जो रावण बनाया है सैफ अली खान को, आप उनकी कटिंग देख लीजिए या उठा के हनुमान जी के दाढ़ी का शेप देख लीजिए, वो कहीं से भी पौराणिक या ठीक ठाक नहीं लग रहा है। हम पूर्व में देखेंगे, जब 1987 में रामायण बनी थी उसके रावण को देख लीजिए आप। अच्छा, कितने सुंदर तरीके से चित्रण किया, जो आज तक देखते आ रहे हैं, लॉकडाउन में भी लोगों ने देखी। फिर उसके बाद हम देखेंगे उनके कपड़े, जिस तरह आदिपुरुष में कपड़ों को उपयोग किया है, चमड़े के कपड़े, इस तरह से हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाना बॉलीवुड की आदत हो चुकी है। तो सबसे अधिक क्या जो आपको लगी है कि आदिपुरुष के माध्यम से ठेस लगी है, यानी रावण हैं और हनुमान जी का किरदार, दोनों में? बिल्कुल, आपने वो ट्वीट किया था, वो ट्वीट दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल, उसको मैंने ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं, इसे दिखा दो। ये ट्वीट किया था, क्या है उसके, आपकी हेडिंग मुख्य? उसकी मुख्य हेडिंग थी, रावण में लाख बुराइयां थी पर वह छपरी नहीं था। जिस तरह से इसमें सैफ अली खान की कटिंग देख लीजिए आप, खासकर उसमें कट लगे हैं, ये आजकल के छपरी स्टाइल का हो चुका है। तो इसके बाद क्या है कि लगातार, इसके बाद से लगातार ये पिक्चर विवादों में आ गई है, खासकर ये लुक्स पे ही आई है, जिसमें यहाँ पर दाढ़ी कटिंग और इसमें हनुमान जी के भी जो चित्रण है उसमें कम मूछें विवाद में आई है, और देख रहा है कि लगातार ट्विटर के माध्यम से और फेसबुक पे और अन्य तमाम सोशल मीडिया पे। तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या बदलाव हो और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें खासकर? बिल्कुल, इसमें खासकर दाढ़ियों में, दाढ़ी और रावण की कटिंग में बदलाव होना चाहिए, और लगातार समस्त भारत देश इसका विरोध कर रहा है, और यदि ऐसा ना ही हुआ तो इस फिल्म को बिल्कुल बायकॉट किया जाएगा, क्योंकि जब जब हिंदू धर्म पर ऐसी आस्था पर ठेस पहुँचाई जाएगी, सनातन हिंदू प्रेमी बिल्कुल इसका घोर विरोध करेगा। तो क्या लगता है कि आप सभी के जाने जो लगातार जो ट्रेंड हो रहा है उससे फ़र्क पड़ेगा पूरे मेकर्स पे? बिल्कुल, आप देख रहे हैं अभी पूर्व में लाल सिंह चड्ढा आई थी, उसमें भी पूर्व में कुछ आमिर खान ने कह दिया था, तो उसको बिल्कुल बायकॉट हुई है वो फिल्म, तो काफ़ी बुरी भी पिट गई थी वो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उसके बाद आप और भी फिल्में हैं, शाहरुख खान की देख लो, किसी की भी, यदि बॉलीवुड आजकल सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है अपनी प्रतिक्रिया देने का, अपनी प्रतिक्रिया देने का, और आजकल हिंदू धर्म या अन्य धर्म सब सजग हो चुके हैं कि किसी भी प्रकार कोई ठेस हमारे धर्म के प्रति हम सहन नहीं करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं किसी भी कलाकार को? बिल्कुल, यदि हम पूरे, मैं तो पूरे बॉलीवुड को ही संदेशा देना चाहता हूँ, कृपया कर आप ऐसी नीच घिनौनी हरकतें ना करें जो धर्म के प्रति हो। हिंदू धर्म से ही नहीं है, आप किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी के प्रति भी ऐसी आपको नीचे स्तर की नहीं दिखाना चाहिए, या फिर आपको उनका ट्रेंड नहीं बदलना चाहिए। जो चला आ रहा है उसको ही लेना चाहिए। आप अच्छा और भी विकल्प हैं उसमें, आप ला सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता, पुराने समय की रामायण के किरदार भी लगातार हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे आकर्षक हैं, कि राम को देख लो चाहे रावण को देख लो,
रूप में कोई कभी कोई खराबी नहीं। बिल्कुल, आप पूर्व में देखेंगे, आप अभी भी एयरपोर्ट पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो राम भगवान बने थे, रामानंद सागर जी ने जो बनाई थी उसमें राम भगवान बने थे, उनके पैर, अरुण गोविल जी, अरुण गोविल जी, उनका अभी भी पैर पड़ते हैं महिलाएं, क्योंकि उनने इतना अच्छा किरदार निभाया है। यदि आप में क्षमता होगी तो आप भी उस लायक हो बन सकते हो। उनको आज भी भगवान के जैसे मान रहे हैं, पूरे देश में आज भी उनको भगवान के रूप से देखा जा रहा है। ऐसे ही ऐसा हमारा हिंदू धर्म है। वैसे भगवान श्री कृष्ण का जो नाटक आया था उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का जो नितेश भारद्वाज जी थे, उनको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक थी। आज भी लोगों के घरों में देखोगे आप, वो फोटो मिल जाएंगी जो उनकी प्रतिदिन पूजा हो रही है। क्या आजकल के बॉलीवुड में ऐसा है? क्या कहीं नहीं है ऐसा। तो ये थे हमारे साथ ओबेदुल्लगंज क्षेत्र के लगातार सोशल मीडिया माध्यम पर सक्रिय रहने वाले अर्पित साहू जी, जिन्होंने आदि पुरुष फिल्म जो कि अभी जली है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उनका मानना है कि किसी भी मेकर्स को या कोई भी कलाकार है जो अपनी कोई रचना रचता है तो उसे जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी मजहब की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। कल्पनाएं अच्छी बात हो सकती हैं, लेकिन कल्पना का रूप इस तरीके से परिवर्तित कर दें जिसमें कि गलत मैसेज आए तो उसको पूरी तरीके से रोक देना चाहिए। तो आगे भी हम लगातार ऐसे मुद्दों पर चर्चा के लिए अन्य लोगों से मिलते रहेंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ यादव।